ला अलहमदल्हदू अला वसलात वसलमल्ला नबी अबादा मुबारक का रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है अल्लाह ताला के क़ुर्ब का ज़रिया है अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े की बतौर ख़ास ख़ुद जजा देने का वादा फरमाया है रमज़ान के रोज़े को नेक आमाल के साथ मुकम्मल करें गुनाहों से बच बच के मुकम्मल करें हमारे यहाँ बस अवकात रम़ान को रोज़ा रख लेते हैं उस रोज़े को मुकम्मल करने के लिए कभी ताश खेला जा रहा है कभी लूडो खेली जा रही है कभी टी वी देखा जा रहा है कभी सुबह से लेकर शाम तक नमाज़ें छोड़ कर सोया जा रहा है ये रोज़ा रखा हुआ है अल्लाह के लिए इसका बहुत ज़्यादा ख़याल फरमाएँ कि रम़ान के रोज़े को रोज़ा समझें और इबादत समझ कर इसको अदा करें ये सिर्फ ट्रखाना नहीं है अल्लाह ताली को क़ुरुब हासिल करना है इसलिए रमज़ान के रोज़े में साहरी का अहतमाम करें इफ्तारी का अहतमाम करें फ़रज़ का अहतम करें तरावी का अहतमाम करें बाकी जो हमारे यहाँ नवाफिल हैं तहजद इशराक चाश अवा ये तो हर रोज़ हैं बाकी हर रोज़ हो जाए हफ्ते में एक बार हो जाए महीने में एक बार हो जाए सलात व तस्वी का अहतमाम करें कुरान करीम की तलावत बहुत ज़्यादा करें इसतवार करें पहला कलमा पढ़ें दरुद पाक पढ़ें और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करें फिर पूरा दिन जो रोज़ा रखा है शाम को इफ्तारी करनी है तो हलाल माल से करें जिस सुबह हलाल माल से सहरी की है तो हलाल माल से करें कोशिश करें कि अपने रिस्क से करें और अपनी कमाई से करें और लोगों को इस मौके पर इफ़ारी की दावत दें रबत गर, गरीब परवरी का ख्याल करें मसाकीन का ख्याल करें दीन की खिदमत करने वालों का ख्याल करें ये सारी बातें मैंने अर्ज़ की हैं रमज़ान में ख्याल करें और एक बात बतौर ख़ास जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी है वो कुछ तो मर्द हजरात को ताही करते हैं कुछ हमारी माँ बहनें ख़वात को ताही करते हैं मर्द हजरात को ताई क्या है इफ़ार पार्टी के नाम से फंक्शन होते हैं नमाजें बर्बाद करते हैं अब तो हजरात और ख़वान मर्द औरतों के मखलूत इजमा शुरू हो गए हैं होटलों पर चले जाते हैं वक्स ज़ाया करते हैं तरावी बर्बाद करते हैं नाम नमूद शहरत रिया और पता नहीं क्या कुछ होता है अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ हम पैसा भी ज़ाया करते हैं अल्लाह को भी नाराज़ करते हैं सारे गुनाह कर लेते हैं अफतार पार्टी के नाम दी पार्टी क्या है इफ़ारी सुनत है अगर आप किसी की इफ्तारी कराना चाहते हैं कराएं इफ्तारी की तरगीब है फजीलत है इफ्तारी कराने वाले के गुनाह माफ़ होते हैं इफ्तारी कराने वाले को अल्लाह रोज़े वाले का आजर देता है इफ्तारी कराने वाले को अल्लाह जहनम से आज़ादी देते हैं लेकिन सुन्नत का ख़्याल करें दस्तरखान बिछा के करें आदाब के साथ करें नमाज़ों का अहतमाम करें मर्द व ख़्वीन का मखलूत इज्तम से इफा... अपने आप को महफूज रखें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें इसलिए इफ्तार पार्टी के नाम से अपनी इबादत रमज़ान की बर्बाद ना करें और हमारी माएँ बहनें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करें कितनी ख़दमत करती हैं कितनी मेहनत करती हैं सुबह शहरी बनाती हैं शाम इफ्तारी बनाती हैं और खूस गर्म इलाकों में बहुत ज़्यादा मशक्कत बर्दाश्त करती हैं मैं एक देहाती आदमी हूँ हम देहात में रहते हैं मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि हमारी माओ बहनों की मशक्क़त क्या है लेकिन देखने में आता है कि इफ्तारी का वक्त होता है टी वी आन किया होता है टी वी देख रही होती हैं इफ्तारी कर रही होती हैं और आज कल टी वी में इफ्तार के नाम पर वो खुराफात की जा रही हैं अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए मेरी हजरात से भी गुजारिश है इफ्तार पार्टियों के नाम पर रोज़े बर्बाद मत करो अल्लाह को नाराज़ ना करो माओ बहनों बेटियों से गुजारिश है कि इफ्तारी बनाओ साथ ज़िक्र करो इबादत करो तिलावत करती रहो और अगर समझे कि रोज़ा खुद लगा हुआ है अपने लिए करना मुश्किल है किसी आलम का बयान लगा लो उसको सुनती रहो कुरान करीम की तिलावत सुनती रहो कोई नेक अमल साथ ऐसे जारी रखो इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल फ़रमाएँ, अल्लाह ताला हमें नेकमाल करने की भी तोफ़ी ताफ़रमाए फिर जो नेक अमाल करते हैं उसको महफूज करने की भी तोफ़ी तय फरमाए वाखर दावाना अन अलहद ला रबालमी